स्टूडियो कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत परिडा अच्छा सर आपको स्वागत कर सर अक्टोबर मास गोटे अवेयरनेस मास आम कहीपर ब्रेस्ट कैंसर को नहीं आगुरु देखिए कि लोक मैंने महिला मैंने आसुन एवं कितु आसुच्च कारण टिके टिके अवेयर हेले विषय सर कितु ब्रेस्ट कैंसर को जितने नहीं आलोचना करवा कौन सब कारण रही कौ कौ फैक्टर्स आ दायी ए प्रतिवर्ष अक्टोबर मस को आम स्तन कर्कट सचेतनता मस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भाव पालन करो यो मस कहीं पालन करूँ ना स्तन कर्कट जदि आम देखा आम भारत वर्ष मुख्य कर्कट भाव देखा आम देश में प्रति वर्ष प्राय जहाँ विगत वर्ष देखा एगार दशमिक छः लक्ष नुआ कर्कट रोग चिन्हट होती चौदह प्रतिशत बा एक लक्ष पंसठ हजार रु ऊर्ध रोगी केवल स्तन कर्कट आक्रांत होती यह स्तन कर्कट जो आम धारणा अच्छे केवल महिला मानक हुए से ठीक नुह पुरुष मानक प्रत्येक शहे जन भितर स्तन कर्कट रोगी भितर जन पुरुष लोक होता है तेणु स्तन कर्कटर जो आम देखीचे इनसीडेन्स संख्या वृद्धि चली आम देश में विशेषकर जो मेट्रो सिटी मानक स्तन कर्कटर संख्या बहुत मात्रा बढ़ी चली जदि आम पाश्चात्य देश देखा अमेरिका प्रति आठ जन जन को स्तन कर्कट होता है स्त्री लोक मान तार लाइफ टाइम रिस्क आम जहाँ कही था आम भारत वर्ष प्राय प्रत्येक बैश जन स्त्री लोक जन को स्तन कर्कट हबार था लाइफ टाइम रिस्क जो कौन तेणु कथा कहीं बढ़ी चलीजे तार कारण कौन आम देखीचे जोटा कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स मैंने आमर आजिकल चालीचलन परिवर्तन बा जीवनशैल परिवर्तन जोटा कि आम पाश्चात्य ढांचार चालीचलन आम बहुत अनुकरण करमती कि मेदबहुलता कम शारीरिक एक्सरसाइज परिश्रम जहाद्वारा कि आम मेदबहुलता मोटापण बढ़ी चलती धूम्रपान मद्यपान ता सहित आमर बेसी चर्बीजात खाद्य फैटी फुड्स आम जो मैंने बालान्स डाएट ठीक रे खाऊन बेसी फास्ट फूड फैटी फुड जोटा कि स्तन कर्कट बढ़िवार गोटे आशंका बढ़ी जाए संभावना अधिका था यह खाद्य द्वारा और धूम्रपान मद्यपान तो आम कहते जो कारण मान को आम देखा से कारण मानक गोटे हूँ स्त्री हार्मोन बा फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जोटा ईस्ट्रोजन कही था जदि ईस्ट्रोजन बहुत दिन धरी जड़े नारी शरीर में प्रवाहित होबा अधिक मात्रा रे प्रवाहित होती स्तन कर्कटर रिस्क बढ़ी था जमीक ऋतुस्राव बहुत कम बयस आरंभ होगा बहुत विलंब पर्यंत चालू रहा कि विलंबरे बह मेज जब लेट म्यारेज करा कि विलंबरे गर्भधारण सतानहीनता आउ छुआ मानक स्तनपान स्तनपान न कर सब कौन क्या ना यू रिस्क बढ़ी था ईस्ट्रोजन लेवलटा बढ़ी अधिका नारी मानकर होता है से गुड़ा रिस्क फैक्टर बा स्तन कर्कट हबार संभावना बढ़ी था एतद व्यतीत ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी गोटे रिस्क फैक्टर ता सहित विकिरण जेनेटिकली प्रभाव रही था कि जदि पास हिस्ट्री में जब कहार माँ हूँ मौसी हूँ ताहले आर रिस्क फैक्टर बढ़ी जाए आज जन हाँ निश्चित भाव यू आम जो कौन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर वंशानुक्रमिक वंशानुगत स्तन कर्कट प्राय पांच रु दस शतकड़ा स्तन कर्कट वंशानुक्रमिक हेरिडिटरी होता है जहाँकि बाप माँ जदि थाए से जीन म्यूटेशन गोटे हूँ आम दुटा मेनली ब्रेस्ट कैंसर देखी था ब्राका वन बीआरसीए वन और बीआरसीए टू आउ ए दुटा जीन जदि पिता माता ठारू पिला मानक जाए तो सेमकर स्तन कर्कट जमी ब्राका वन प्राय रिस्क चालीस रु अशी शतकड़ा चान्स थाए जे स्तन कर्कट हबार सेमती ब्राका टू जदि म्यूटेसन थाए ताल प्राय पचीस रु चालीस शतकड़ा थाए स्तन कर्कट हबार तेणु यही जो वंशानुगतिक हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर आम कमी सस्पेक्ट कर ना जितेबाला गोटे बहुत कम बयस कोड़े रु तीस कि चालीस वर्ष बयस जन रोगी आम पाखक आसूसी कि बहुत फैमिली मेम्बर्स पांच जन छः जन स्तन कि ओवेरियन कर्कट गोटे फैमिली आक्रांत होती बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर होती तेणु से क्षेत्र में सस्पेक्ट करवा नॉन हेरिडिटरी जेनेटिक म्यूटेशन गोटे फैमिली रे जना तेणु से क्षेत्र में आम भाई था कि गोटे पेसेंट ही ब्रेस्ट ओवेरियन मल्टीपल कैंसर थाए कि गोटे फैमिली रे बहुत लोक गोटे सिंड्रोम कि आसोसन स्तन कर्कट कि ओवेरियन कर्कट आक्रांत होता से क्षेत्र में आम ये वंशानुगतिक हेरिडिटरी कैंसर सस्पेक्ट कर सर डिटेक्ट केमती करवा से जानवा दरकार कि सिम्टम कौन अर्थात लक्षण कौन क्लिनिकल लक्षण कौन सब रही आलोचना करवा सर कि वर्षर थीम कौन रही वर्षर थीम हूँ राइज जार फुल फर्म हूँ रैली इन सपोर्टिंग
सर्भिंग एंड स्क्रीनिंग एव्रीवन ता अर्थ होची स्क्रीनिंग गोटे पद्धति आम जाने स्क्रीनिंग माने जमी स्तन कर्कट गोटे स्क्रीनिंग मेथड यूज है मामोग्राफी एमआरआई तेणु आम प्रत्येक नारी को 40 वर्ष पर स्क्रीनिंग मामोग्राफी हो एमआरआई हो आम वर्ष को वर्षे कि दुई वर्ष थर लेखा करवा दरकार जहाद्वारा कि आम यही रोग को प्राथमिक अवस्था निरूपण करवा आर्ली डिटेक्शन जो कौचे आर्ली डिटेक्शन बेस इंपोर्टां कहीं जितेबाला यही स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग प्रोसीजर आम आडभाइस कर समय कौन लक्षण न था तेणु प्राथमिक अवस्था आम रोग निरूपण कर बहुल मात्रा में आम रोगी को भल कर रोग सर गोटे बड़ कथा कि डिटेक्शन आर्ली डिटेक्शन कले ही चिकित्सा सहज हम कारण प्राय समस्त आडभांस स्टेज में पहुंचती से कहुए कि इनफर्मेसन आप सठिक रहा दरकार सर कौन सब रही लक्षण जहाँ को नहीं हूँ तो जन रोगी जापर आयर हो पारा छड़ा सेल्फ एग्जाम निजे घर रही मिरर सामने हो कमी पद्धति रही जहाद्वारा से जापर एमती असुविधा हो पाए आगे सर देखु आप लक्षण कौन कौन थाए जदि मुख्य लक्षण देखा हूँ स्तन गेटा बाबू लंप आम जो कही था से प्रायत मुख्य लक्षण ता सहित स्तनर आकार आकृति में परिवर्तन होबा किंबा स्तनाग्रह कौन रक्त कि अन्य पदार्थ क्षरण होबा स्तनाग्रह भितर को पशिजा किंबा बायलैटरल आसीमेट्री स्तन में देखा स्तनर चर्म उपर किसी परिवर्तन होबा किंबा काखरे जो लसिका ग्रंथि अच्छी लिम्फ नोड से एनलार्जमेंट होबा किंबा आर्म पीट बा बाहू जदि फुली जाए जो एडवांस रोग आसबू है लक्षण जो लोको रीजनल डिजीज थाए जो एडवांस डिजीज हुए से तो ब्रेन को हाड को लिवर को लंग्स को जापे से ही अनुसार सिम्टम जो सर प्रोसेसटा केते दिन धरी बा बहुत शीघ्र हुए क्विकली हुए ना स्लोली हुए यहाँ डिपेंड कर स्तन कर्कट आ गोटे रोगी रोग ही रही ना यहाँ बहुत मलेकुलार सब टाइप आजिकल आम जो कौचे जमी ईआरपीआर पॉजिटिव ईआरपीआर नेगेटिव और ट्रिपल नेगेटिव हर टू पॉजिटिव तेणु एगुड़ा सब गोटे मानने रिसेप्टर अनुसार आम कर बहुत किसी आसला मलेकुलार सब टाइप लुमिनाल ए लुमिनाल बी बासाल टाइप क्लाउडिन ए क्लाउडिन बी टाइप ये सब गुड़ा मलेकुलार सब टाइप जोटा कि जिनोमिक आनालीसीस डीएनए सिक्वेन्सींग भी जमापड़ी तेणु प्रत्येक कर्कटर जो आग्रेसीवनेस बायोलोजिकाल बिहेवियर ये जो प्रत्येक मलेकुलार सब सब टाइप रम जदि जाने स्तन कर्कट हूँ गोटे रोग कि तार बहुत प्रकार मलेकुलार सब टाइप अच्छी समस्त वृद्धि अभिवृद्धि प्रोग्रेसन एवं तार बायोलोजिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है तेणु आम कहीपर जे स्तन कर्कटा दुई मस कि चारिमास अच्छी बहुत रोगी आम पाखु अच्छा वर्षे दुई वर्ष धरी से रोग थाए बहुत किसी स्प्रेड हो नए जोटा कि यूजुअली लुमिनाल ए हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव क्षेत्र में थाए जोटा कि वयस्क लोक में थाए आ बेले बेले बहुत यंग लोक आसते ट्रिपल नेगेटिव से माने जानी पारंती मासे दुई मास भीतर बहुत रैपिडली स्प्रेड इवन डेथ होता है।